एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की सायरा सत्तानी के बारे में बोलने से पहले, मैं कुछ अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ रिलेटेड टू माय लाइफ, रिलेटेड टू यूट्यूब, रिलेटेड टू माय पेरेंट्स. ठीक है कि पहले सुनती थी कि एक औरत ही औरत के दुश्मन होती है. मेरे सास के रिगार्डिंग मेरे पापा ने एक बार बोला था कि एक औरत ही औरत के दुश्मन होती है, लेकिन पहली बार मैं सोशल मीडिया में अपने बाप को गलत बोलती हूँ कि हमेशा मुझे उनके अपब्रिंगिंग पे, मेरी माँ की और मेरे बाप की अपब्रिंगिंग पे मुझे बहुत प्राउड फील होता है. हमेशा से मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ ऑन सोशल मीडिया, बट आज मैं बोलूँगी कि मेरे पापा जो है वो गलत है. क्योंकि जो गलत औरत होती है ना, वो सिर्फ औरत के नहीं, इंसानियत की दुश्मन होती है. चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों की ही दुश्मन होती है वो, जैसे कि सायरा सत्तानी. लेकिन मेरा ये मानना है कि एक औरत औरत की जो है ना दुश्मन ये ताकत होती है. आप बोलोगे क्यों? क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अभी जब मेरा बेटा बीमार था तो दो औरत सामने से आके मुझे मेरी हेल्प की. ठीक है, आज के डेट पे जब मेरा बेटा बीमार है तो दो औरत ने सामने से आके मेरी हेल्प की, जिसमें से एक हिंदू थी एक मुसलमान थी. सो आप औरत की दुश्मन आप नहीं कह सकती हो, क्योंकि नारी जो होती है ना, सिर्फ अपने आप में एक शक्ति नहीं, वो एक औरत को शक्ति भी देती है. जहाँ पे इस औरत की जो है ना शक्ति ख़त्म हो गई थी उसके बच्चे के आगे, वहाँ पे मुझे दो औरतों ने आके सहारा दिया, ताकत दिया. भले ही छोटा हो बड़ा हो, मैं उनका नाम लेके उनको फेमस या फिर जो होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने दिया तो चुपके से दिया. वो चाहती तो सोशल मीडिया में झिंडोरा पीट सकती थी इस चीज़ का, बट उन्होंने अपने मन से जितना भी दिया, चुपचाप से दिया. मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो है मेरे बेटे के लिए अच्छा सोचा, मेरे बेटे के लिए एक माँ की तरह सोच के, जहाँ पे उसकी माँ कमज़ोर पड़ गई थी, आप लोगों ने मदद किया. भले कम करें, ज़्यादा करें, जितना भी करें, बट किया, मुझे पीछे से सहारा दिया. एक कहावत है कि बुरे वक्त में ना अपने ही काम आते हैं. मैंने तो सिर्फ 3 अपने खोए हैं शादी के बाद, लेकिन मैंने 30 अपने जो है ना पाए हैं. ठीक है, मैंने एक माँ खोया है, भले ही मेरी माँ जैसे तो सोशल मीडिया में कोई भी औरत मुझे प्यार नहीं कर सकती, जो कि सच बात है, बट मैंने कई सारे माएँ कमाई हैं, कई सारे बहनें कमाई हैं, कई सारे दोस्त कमाए हैं. मैं हमेशा आप लोगों को फैमिली बोलती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है एक फैमिली की तरह ही आप लोग मुझे प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, मेरे बच्चों के लिए दुआएं करते हो. तो थैंक यू सो मच, सो मच. मैं एक औरत बोलो, एक माँ बोलो, एक बेटी बोलो, एक बहन बोलो, एक दोस्त बोलो, मेरा दिल से आप लोग के लिए ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिल से आप लोग के लिए दुआएं निकलती. बहुत सारे माओं ने बहनों ने दुआएं की मेरे इब्राहिम के लिए, मेरे इब्राहिम को प्यार भेजा. इनफैक्ट अभी भी दुआएं चल रही है मेरे इब्राहिम के लिए. थैंक यू सो मच, मेरे दिल से आप लोगों के लिए सच में सलाम. आयशा दिसाली किसी के आगे नहीं झुकती है, लेकिन आप लोगों के प्यार के आगे ना मैं झुक गई, मैं कर्ज़दार हूँ. क्योंकि मैंने देखा है ये जो वक्त मेरा चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है, बुरा इन द सेंस, अगर कुछ अलग तरीके से मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती है तो शायद मैं इतनी नहीं टूटती, इतनी खुद को बेबस महसूस नहीं करती, इतना बेसहारा महसूस नहीं करती. बट औलाद के ऊपर जब आता है बात, और आप लाख कोशिश के बाद भी आपका औलाद को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, आपका औलाद पहले जैसा नहीं है, तो आप खुद को बहुत बेबस महसूस करते हो. सो मैं इस टाइम पर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा बेटा जो आप लोग देखते व्लॉग में बात करना, उछलना कूदना सब कुछ कर रहा था. लास्ट टू व्लॉग से आप देख रहे हो कि वो मेरा बिस्तर में ही गिरा हुआ है, ना वो खा रहा ना पी रहा. कल ये लाई मैंने, डॉक्टर ने बोला था 99 से ऊपर जाए तो ताबड़ तो मेरे पास लेके आना. रात को 102 था, उसके अब्बा ने लिख के रखा 10:30 बजे के आसपास, और 9:30 बजे के आसपास 3:45 था, उसने AM लिख के रख दिया. खैर जो भी है, तो नहीं 3:45 दोपहर के आसपास 95.2 था. तो आज मुझे दवाखाने जाना है, दिन में ज़्यादा गर्दी रहती है, तो मैं शाम को जाऊँगी जाके जो भी है उसका दे के आना, इंजेक्शन वगैरह जो भी चीज़ें वो थोड़ा बहुत करके आना. डॉक्टर ने बोला मतलब कि उसको 1 महीना ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. एनीवे जो भी चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ अपडेट देती रहूँगी, बाकायदा उसके ऊपर वीडियो बनाती रहूँगी, वहाँ पर जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी. बट
मैं पता है आप लोगों को मैं क्यों बोलती हूँ यूट्यूब फैमिली, सिर्फ बोलती नहीं क्योंकि मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब जब मैं टूटी हूँ तब तब कोई ना कोई आके मुझे सहारा दिया आप लोगों ने, सच में बहुत सहारा दिया, चाहे कोई भले ही पैसों से ना दे, लेकिन आप लोगों के जो वर्ड्स होते थे, भले कुछ लोग हो बट वो कुछ ही लोग जो वर्ड्स से मुझे सहारा देते हो, जो दुआएं मेरे लिए आप लोग करते हो, मेरे बच्चों के लिए करते हो, मैं क्या बोलूँ यार, मैं ना खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने 3 अपने खोए हैं, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, तो मैंने 30 अपने पाए हैं जिनको कल को अगर मैं दुनिया से चली भी गई ना, अगर मेरे मरने का खबर मेरे किसी भी दोस्त यूट्यूबर दोस्त के मुँह से आपको मिले तो आप लोग का दिल ज़रूर उदास होगा और आप लोग अफसोस ज़रूर करोगे। मुझे ये चीज़ पता है, आज के डेट में एक माँ के लिए औलाद से बढ़ के कोई नहीं होता है, लेकिन मेरे बेटे की बीमारी के टाइम पे जो 2 औरतों ने मेरे को पीछे से आके फिनेंशियली सपोर्ट दिया, मेरे कम थे ज़्यादा थे, और जो औरतों ने क्योंकि देखो महंगाई का दौर है, हर किसी का जो है ना ज़रूरत है, मैं समझती इस चीज़ को, हर किसी के बस की बात नहीं होती है किसी को अपनी ज़रूरतें पूरी करके किसी को सहारा देना, बट आप लोगों ने दुआएं की मेरे बेटे के लिए, प्यार भेजा, दिल से शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लाखों है, वो चाहे तो मदद कर सकते हैं, मैं पहचानती हूँ वैसे लोगों, बट वो लोग मदद नहीं करते, तो वही चीज़ है कि मैं क्या बोलूँ, औरत औरत की दुश्मन नहीं हो सकती यार, ये कहावत गलत है, मैं इस कहावत को गलत बोलती हूँ, क्योंकि जब जब इस औरत को ज़रूरत हुई तो एक औरत ही खड़ा हुई, भले ही मुझे अपने शौहर का एक मर्द का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जब जब ये औरत टूटी है, इस औरत को मतलब सहारे की ज़रूरत हुई है, तब तब इस औरत के साथ में एक औरत ही खड़ी हुई है। चलिए अभी बात करते, मेरे तो अपने दिल की जो बात है वो आप लोगों के साथ खुल के रख दिया, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सहारा दिया, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जो जो लोग मैं बोलती हूँ कि कैपेबल है प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा थोड़ा मेरी बुक के लिए, क्योंकि अभी एक एक इंजेक्शन उसका 1.5 हज़ार का है, तो बहुत महंगा है, एंड मेरे से जितना हो सकता था मैंने तो पूरा कोशिश की और करूँगी भी, आखिरी दम तक मैं लड़ूँगी, चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे इस जर्नी का, इस लड़ाई में मेरी थोड़ा ताकत बनो, बस दैट्स इट, बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग की इंसानियत के ऊपर है। एनीवेज अब बात करते शीला भाई की, तो कल जो है ना उसने एक रील डाली है जिसमें वो साड़ी पहन के ब्रा स्ट्रिप दिखा के नाच रही थी, जो बदन पे सितारे लपेटे हुए गाने पर वो रील बना रही थी, ठीक है। तो वो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि वो किस कैटेगरी की औरत होगी, क्योंकि मेरा बेटा बीमार है, मैं उस पर व्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं उसका बोपला है कि उसके पालतू कुत्ते हैं, वो भी आके भौंक रहे थे कि गीवत करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, तो मैं एक चीज़ उसके पालतू कुत्ते को जो चमचे हैं उनको बोलना चाहती हूँ कि तुम जैसे नंगों के औलादों को जो है ना ये गीबत लगती होगी, लेकिन मैं गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, मैं गलत चीज़ों के ख़िलाफ़ रिएक्शन देती हूँ, मुझे गीबत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में जो है ना वो क्या है क्या नहीं है पूरी दुनिया 99% उसको जो देखते हैं वही लोग कमेंट करके ना कमेंट के ज़रिए बोलते हैं, तो फिर वो भी गीबत करते हैं, तो फिर तो ये मतलब है कि पूरी दुनिया ही सायरा सत्तानी के बारे में जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, पूरी दुनिया ही गलत है। आप बताओ कौन सा बेटे के सामने कौन सी माँ ऐसे ब्राका स्ट्रिप वाला ट्रांसपेरेंट ब्लाउज पहन के नाचेगी, और कौन सा सभ्य घर के जो होते हैं ना, हम सभ्य बोलते हैं मेरे मायके के साइड में, सभ्य बोलते हैं, सभ्य भद्र बोलते बंगाली में, मतलब कि रिस्पेक्टेड फैमिली का बेटा और रिस्पेक्टेड माँ अपने बेटी के सामने ऐसे नाचेगी, और बेटा जो है वही चीज़ शूट करके जो है ना सोशल मीडिया में डालेगा। अगर आप मीठे मुंह से बात करते हो, अच्छे मुंह से सोशल मीडिया में सिर्फ बात करते हो, दैट डजंट मीन कि आप अच्छे हो, मीठी जबान होने का मतलब ये नहीं कि वो इंसान उतना ही मीठा होगा, उसका जो फल है हमने देखा है, जैसे कि मैंने और बाकी लोगों ने सना भाभी वगैरह ने भी उसकी जो गाली का रिकॉर्डिंग है हमने डाला था, आपने देखा ही होगा उसका जबान कैसा है, तो जो वो इंसान जो पर्सनैलिटी उसकी है ना वो डबल फेस्ड ओवन है, वो कुछ और जीती है
और दिखाती कुछ और है सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में तुमको एक प्लेटफॉर्म मिला है तुम्हारा टैलेंट दिखाने को, एक सही मैसेज दिखाने को। ऐसे कि मुझे बहुत लोग देख के बोलते हैं, बहुत तो मतलब कि लाखों में नहीं देखते, हज़ारों में देखते हैं। उनमें से कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आपको देख के ना एक ताकत मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि मैं अगर मेरा जो ये बुरा टाइम चल रहा है ना उसमें भी मैं आप लोगों के सामने रोती नहीं, मैं लड़ रही हूँ, मैं कैमरा के पीछे बिहाइंड द कैमरा अपने बेटे को लेके जाना आना, बेटी को घर पे छोड़ के घर का सारा, आप यकीन मानो मेरा बेटा बीमार है, मैं पूरा दिन से मेहनत कर रही हूँ। आप मेरा घर देखो, आप मेरे घर का ज़मीन आप देखोगे ना, बिस्तर देखो, ये देखो मेरे बेटे गुरु ट्यूशन जाना है, देख रहे हो घर देख रहे हो, मैं सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, मैं सब कुछ, बच्चा बीमार है, उल्टी कर रहा, पोटी कर रहा, डॉक्टर के पास जाना है, घर पे खाना बना, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि आपको देख के जो है ना गुनू दरवाज़ा बंद कर ताकत मिलती है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाना चाहती हूँ। हाँ, इबुक अब्बा के बारे में मैंने तब बोला जब मेरा घर भर चुका था और जिसका सबूत ऑलरेडी सबके पास था, इसीलिए आज तक किसी ने मुझे गलत नहीं बोला, क्योंकि सबको पता है मेरे हस्बैंड कैसा है। इनफैक्ट आप लोग भी देख रहे हो, देख चुके हो और देख रहे हो कि मेरे हस्बैंड कितना करते हैं कितना नहीं करते इस घर में, औलादों के ऊपर, मेरे ऊपर, घर के ऊपर उनका कितना कॉन्ट्रीब्यूट है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बाकायदा उनकी बीवी बन के उनके बच्चों के साथ उनके पास हूँ। मुझे नहीं लगता कि सारा सत्तानी जो भी चीज़ें कर रही है वो कहीं से भी रिस्पेक्टेड वूमेन है, या फिर उनकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में है, और उसकी रिस्पेक्ट सोशल मीडिया में कितना है वो तो हम सब देख ही चुके हैं। और रहा बात उसके चमचों के आके भोंकने का, तो उसके जैसा तुम लोग भी गिरे हुए हो। जब एक औरत परेशान है अपने बच्चों को लेके उसी व्लॉग में आके भोंकते हो, सो तुम जैसे लोगों के ट्रस्ट मी कसम खुदा की मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि क्या होता है ना, एक हमारे कलाम पाक में कहा होता है, जैसा मर्द होता है ना वैसी ही औरत उसको मिलती है, ठीक है। जैसे जिसको तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो वैसे ही तुम लोग भी हो, क्योंकि गंदगी को ही गंदगी जो है ना अप्रिशिएट करते सपोर्ट करते हैं। इससे मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग के भोंकने से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले ना मेरा कमेंट बॉक्स खोलो, बस मैं बोलूँगी मेरा कमेंट बॉक्स खोलो, भले ही उसकी जैसे गाली देने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उससे कम प्यार देने वाले लोग बहुत हैं, जो मेरे बच्चे के लिए इस बुरे वक्त में मेरे पीछे दौड़ा ताकि फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए थोड़ा ही सही खड़ा हुई, ठीक है, और दुआएं देने के लिए, प्यार देने के लिए खड़ा हुई। इन सभी औरतों को मेरा दिल से सलाम, क्योंकि हर औरत गंदी नहीं होती है, हर औरत जो तेरे बुरी नहीं होती, बुरी औरत जो होती है ना वो औरत मर्द दोनों के लिए, इनफैक्ट इंसानियत के लिए जो है ना वो दुश्मन होती है, जैसे कि सायरा सत्तानी। बट मैं जिन औरतों को जानती हूँ जो मेरे सपोर्टर नहीं बोलूँगी, मेरे फैमिली वाले, मैं हमेशा तो मेरी यूट्यूब फैमिली और दिल से मानती हूँ, वो मेरे ताकत है। तो ये चीज़ मैं अपने बाप की तो मैं बिल्कुल डिनाई करूँगी कि इस जगह पे मेरा बाप जो है ना गलत है। एंड मैं प्राउड फील करती हूँ, ये जो मेरी फैमिली है ना, माओं की, बहनों की, दोस्तों की, छोटी बहनों की, ये मेरे पैदाइश रिश्ते नहीं है, लेकिन मैंने YouTube में आके जो है ना मैंने बनाया है, मैंने आप लोगों का प्यार कमाया है, मेरे बच्चे आप लोगों से, आप लोगों का प्यार उनको मिलता है, भले उनके दादा दादी नाना नानी के प्यार उनको ना मिले, लेकिन आप लोगों का प्यार उनको मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करके फिर मिलते हैं नए ब्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड कमेंट करके अपना क्या ओपिनियन है वो ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।